तो देश में आज का दिन भी सियासी गहमा गहमी से भरा होने वाला है। बीजेपी आज से 3 दिन का जन स्वाभिमान अभियान शुरू कर रही है और इसके जरिए बीजेपी जेएनयू में कथित देशद्रोही गतिविधियों और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में एक जन राय बनाने की भी कोशिश करेगी। इस पहल के तहत पार्टी राष्ट्रवाद के विषय पर जोर देगी। बीजेपी नेताओं के मुताबिक सियाचिन में हाल में सैनिकों के बलिदान के विषय को भी पूरे देश में उठाया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज से मिशन यूपी पर है। राहुल गांधी लखनऊ मुख्यालय में आज जाएंगे क्योंकि मकसद बड़ा अहम है। कई दलित कॉन्क्लेव समेत कई उनके कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करेंगे। यूपी में राहुल की नजर दलित वोट बैंक पर है। तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मिशन आज से शुरू हो रहा है उनका मिशन यूपी। पूरे 2 साल बाद राहुल गांधी लखनऊ मुख्यालय आ रहे हैं। राहुल यहां दलित विकास सम्मेलन के जरिए दलितों को लुभाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के लोगों ने कहा था 2014 के आम चुनावों में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में वापसी के लिए जीतोड़ कोशिश कर रही है। कांग्रेस को ये बखूबी पता है कि अगर सत्ता में वापसी करना है तो गांव, गरीब और दलित वोट पर फिर से पकड़ मजबूत करनी होगी। यही वजह है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का फोकस पूरी तरह से कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक यानी दलित राजनीति की ओर है। हैदराबाद से दलित छात्र की खुदकुशी का मामला हो या हरियाणा में दलित परिवार की हत्या का केस, राहुल गांधी ने इन मुद्दों को भुनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसी कड़ी में अब कांग्रेस युवराज लखनऊ में दलित विकास सम्मेलन के जरिए दलितों को रिझाने की कोशिश करेंगे। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में मायावती को यूपी में एक भी सीट नसीब नहीं हुई थी। ऐसे में कांग्रेस बीएसपी से रूठे दलित वोटरों को अपने पक्ष में करना चाहती है। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। राहुल के दौरे के मद्देनजर खास तैयारियां की गई हैं। कार्यक्रम में 100 से ज्यादा दलित नेताओं को आमंत्रित किया गया है। राहुल गांधी न सिर्फ लखनऊ मुख्यालय के सम्मेलन में भाग लेंगे बल्कि अमेठी दौरे पर भी जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। तो वही कांग्रेस नेता पीएल पुनिया का कहना है कि राहुल गांधी के दौरे से कांग्रेस को चुनाव में फायदा होगा। उनसे बात की हमारे रिपोर्टर अमिता पारुल ने। यूपी में विधानसभा चुनाव भले ही दूर हो लेकिन कांग्रेस पार्टी दलित अधिवेशन करने जा रही है और क्या उसके पीछे मकसद है ये जान लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया जी हैं। सर, ये अधिवेशन बुलाने की जरूरत क्यों पड़ गई कांग्रेस पार्टी को? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 125वां जयंती वर्ष है और उसी के उपलक्ष्य में केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कांग्रेस पार्टी में तय किया गया कि हर प्रदेश में एक इसी तरह का दलित नेतृत्व विकास सम्मेलन बुलाया जाए और हर प्रदेश में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। काफ़ी प्रदेशों में कार्यक्रम हो चुके हैं, कुछ में होने बाकी हैं। राहुल गांधी जी आएंगे इस सम्मेलन में। विशेष रूप से जो समस्याएं हैं दलित समाज के सामने, नेतृत्व विकास में उनको आगे बढ़ने में क्या कठिनाइयां हैं, समाज को क्या कठिनाइयां हैं, उन सब के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा होगी और जो भी चर्चा होगी दिन भर की उसका सारांश के रूप में एक लखनऊ डिक्लेरेशन के रूप में उनको अपनी सिफारिशों के साथ में हम प्रस्तुत करेंगे और जिनके ऊपर वो रिएक्ट करेंगे। आपको लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में फायदा होगा पार्टी को इससे, क्या लग रहा है? देखिए, राजनीतिक दृष्टि से एक्टिविटी होती रहे, पार्टी मजबूत हो तो चुनाव में तो लाभ मिलेगा। और राजनीतिक पार्टी का विशेष जो उद्देश्य होता है वो चुनाव में जीत हासिल करना, वही सबसे पहला महत्व है।
हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया जी, जिनका ये मानना है कि पार्टी को इससे मजबूती ज़रूर मिलेगी और जिस तरह से यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, वो दलित वोटर जो कांग्रेस से छटक कर दूसरी पार्टियों की तरफ चला गया था, कांग्रेस को ये लग रहा है कि इस तरह से लोगों के बीच अपनी बात कहने से फिर से वो दलित वोटर उनके पाले में आ सकता है। कैमरामैन मनोज मिश्रा के साथ अमिता पारुल, इंडिया 24/7 लखनऊ। तो पीएल पुनिया जो ये साफ तौर पे कह रहे हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी का मकसद चुनावों में जीत हासिल करना होता है, यानी आप अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है किस तरीके से दलित प्रेम कांग्रेस का देखने को मिल रहा है, चाहे फिर वो रोहित वेमुला की खुदकुशी का मामला हो, क्योंकि हैदराबाद भी पहुंचे थे राहुल गांधी, लगातार वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना वो साथ दे रहे हैं, समस्याओं को सुन रहे हैं, और आज उत्तर प्रदेश में कॉन्क्लेव जिसके जरिए दलितों को एहसास कराने की कोशिश है राहुल गांधी की कि हर तरह से उनके साथ है कांग्रेस। 2017 का चुनाव, ऐसे में वापसी की कैसे की जाए, इसके लिए रणनीति कहीं ना कहीं दलितों पर फोकस होती नजर आ रही है कांग्रेस की। अमिता पारुल हमारे साथ है। अमिता, जब आपने पीएल पुनिया से बात की तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का मकसद चुनावों में जीत हासिल करना है, ये कहें कि दलित वोट बैंक को हासिल करके कहीं ना कहीं मकसद और जीत और एक जो कोशिश है कांग्रेस की वो अब हो रही है 2017 के मद्देनजर। बिल्कुल श्वेता, देखिए दलित वोट बैंक जो है वो कांग्रेस के पास हमेशा से रहा है। अगर हम आजादी के बाद के समय की बात करें, जवाहरलाल नेहरू के समय में एक ट्रायंगल फेमस था जिसमें मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण वोटर्स जो थे वो कांग्रेस के साथ थे, लेकिन जिस तरह से मायावती का यूपी में दलितों की तरफ रुझान बढ़ा, दलितों ने मायावती को पसंद किया और ब्राह्मणों को साथ लेकर मायावती ने अपनी सरकार बनाई। अगर मुलायम सिंह यादव की पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की, तो वो मुस्लिम यादव गठजोड़ के सहारे आगे बढ़ती रही है। अब कांग्रेस को लग रहा है कि जो ट्रायंगल पहले उसे वोट देता था या जो उसके साथ था, अगर वो फिर से उसके पाले में आ जाए तो वो सत्ता से दूर नहीं रह सकती है। ये बात अलग है श्वेता कि कांग्रेस फिलहाल चौथे नंबर की पार्टी यूपी में है, लेकिन कांग्रेस को ये लग रहा है कि अगर दलित वोटर्स उसके साथ आ जाते हैं और उसके साथ ही जिस तरह से अगर उपचुनाव के अगर हम नतीजों की बात करें तो कांग्रेस ने देवबंद की सीट 27 साल बाद जीती है और वहां पर एक मुस्लिम विधायक बना है। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कांग्रेस में जोश भर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि दलित को अपने साथ लेकर वो सत्ता के रास्ते तक पहुंच सकती है। आज ये जो अमिता मुझे एक बात बताइए, हमेशा मायावती एक तरीके से सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पे आगे बढ़ती रही है, अपना वोट बैंक उनका दलित वोट बैंक रहा है, ऐसे में क्या कहे ये फॉर्मूला इस बार कांग्रेस अपना रही है? बिल्कुल श्वेता, ये फॉर्मूला अपना रही है और आज जो सम्मेलन यहाँ लखनऊ में होना है उसमें खुद राहुल गांधी मौजूद होंगे। आपने देखा जिस तरह से रोहित वेमुला का मामला हो या कन्हैया कुमार की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई या जेएनयू में जो कुछ हुआ, उसके बाद राहुल गांधी भी आगे आकर बोल रहे हैं और छात्रों की, दलितों की बात कर रहे हैं। अभी वो इसके पहले अपने यूपी दौरे के दौरान भी उन्होंने कई सारी बातें कही, तो लग रहा है कि कांग्रेस को अब ये एहसास हो गया है कि अगर यूपी में सत्ता में आना है, आगे जाना है, तो दलित को अपने साथ लेकर चलना होगा और उसी की कोशिश आज यहाँ पर होगी। चलिए अमिता, आगे अपडेट लेंगे, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एमपी में एक किसान रैली को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के सीहोर के शेरपुर में होने वाली इस रैली में करीब 5 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। प्रधानमंत्री की रैली को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी रैली के दौरान किसानों के लिए केंद्र सरकार की योजना और हाल में घोषित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जिक्र कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की रैली को देखते हुए रूट डायवर्जन भी किया गया है। रैली के दौरान इंदौर भोपाल हाईवे को फंदा टोल और बिल्किसगंज चौराहे से डायवर्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इंदौर की तरफ जाने वाले गाड़ियों को बिल्किसगंज मार्ग से जाना होगा और इसी तरह भोपाल जाने के लिए चौपाल सागर से पुराने हाईवे से फंदा फाटक होकर निकलना होगा। तो प्रधानमंत्री के संभावित कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री आज दोपहर, आपको बता दें आज सुबह तकरीबन 11:40 पर दिल्ली से रवाना होकर करीब 1 बजे भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। मोदी दोपहर में 1 बजे भोपाल एयरपोर्ट से सीहोर हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। दोपहर तकरीबन 1:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी शेरपुर के किसान कल्याण मेला स्थल पहुंचेंगे और 3:30 बजे सीहोर हेलीपैड से भोपाल एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे, जहां से 3:10 पर वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तकरीबन 5 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम है।
किसानों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार चाहे योजनाओं के जरिए हो चाहे सम्मेलन के जरिए हो ये बता रही है देश के किसानों को कि उनको राहत देने की कोशिशें किस तरह से हो रही हैं। प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना की भी पिछले दिनों शुरुआत की गई थी, जिसमें कर्ज माफी की भी बात रखी गई थी। और अब जो सम्मेलन, इसमें जिस तरह से 5 लाख से भी ज्यादा किसानों के आने की संभावना है, इसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो एक बार फिर से वही कोशिश होगी कि किसानों पर पूरा फोकस है सरकार का, कि चाहे कर्ज माफी का मामला हो, फिर योजनाओं के जरिए उनको बेनिफिट पहुंचाने की बात हो या फिर पॉलिसीज की बात हो। क्योंकि आपको बताएं कि जब सत्ता में सरकार आई थी एनडीए की, तो यही एक मकसद, उनका मैनिफेस्टो अगर हम देखें तो यही एक मकसद था कि किसानों को कर्ज मुक्ति दिलवाई जाएगी, सस्ती दरों पर कर्ज दिलवाया जाएगा, लागत मूल्य कम हो इसकी कोशिशें की जाएंगी, और कुछ इसी तरफ बढ़ती हुई है सरकार। लेकिन कहीं ना कहीं बता भी रही है कि कैसे फोकस और एजेंडे में है किसान। हालांकि इस रैली में क्या कहा जाता है प्रधानमंत्री की तरफ से किसानों को लेकर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बजट आने में महज 10 दिन का वक्त अब रह गया है और ऐसे में एक बहुत बड़ी उम्मीद किसानों को भी सरकार से है। बजट में क्या होगा वो तो एक अलग बात है, लेकिन इस रैली के जरिए कहीं ना कहीं किसान भी जानना चाह रहे हैं कि अब क्या सरकार सोच रही है उनके लिए। मकरंद है हमारे साथ। मकरंद, मुझे ये बताइए कि इस रैली को लेकर किसान किस तरीके की उम्मीदें लगा रहे हैं और क्या कुछ समझा जाए, किस तरह से एक राहत दी जा सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जब वो इस रैली में पहुंचेंगे। चलिए मकरंद से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। 5 लाख से ज्यादा किसानों के जुटने की उम्मीद है। तकरीबन 5 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में रहेंगे, रैली को संबोधित करेंगे। हालांकि क्या उनकी तरफ से कहा जाता है, उम्मीदें किस तरह से पूरी की जाती हैं, क्योंकि योजनाओं के जरिए तो एक के बाद एक राहत पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन फिर भी दुख दर्द अन्नदाता का दूर नहीं हो रहा। और अब एक ऐसी खबर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर कब तक जारी रहेगा बेलगाम जश्न और कब तक जाती रहेंगी जाने। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शादी के दौरान फायरिंग करना एक परिवार को महंगा पड़ गया। यहाँ पर हर्ष फायरिंग के दौरान दूल्हे की गोली लगने से मौत हो गई। गोली लगते ही दूल्हा जमीन पर गिर पड़ा और इस घटना के बाद शादी समारोह में खलबली मच गई। सूचना मिलने पर जमीन पर खून से लथपथ पड़े दूल्हे को सीतापुर के जिला अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां से डॉक्टर्स ने उसे लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घायल दूल्हे ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हर्ष फायरिंग में हुई इस बड़ी घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटना के समय मौजूद सभी लोगों से पूछताछ की, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। पुलिस इस पहलू पर भी जांच कर रही है कि दूल्हे को हर्ष फायरिंग में गोली लगने से मौत हुई है या फिर उसकी हत्या की गई है। हर्ष फायरिंग पर रोक है, लेकिन कैसे, कहीं ना कहीं हर्ष फायरिंग की वजह से जान चली जाती है या हर बार देखने को मिलता है, फिर ऐसी रोक जिसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करवाया जा रहा है उसको कैसे पूरा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, फिर भी हम देखें तो हर्ष फायरिंग रुकती नहीं है। केस दर्ज हो गया है, लेकिन ये गोली फायरिंग के दौरान लगी या फिर टारगेट किया गया था इस शख्स को, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया, क्योंकि किसी की भी इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो जश्न का माहौल जो मातम में उस वक्त बदल गया जिस वक्त दूल्हे को गोली लग गई। बता रहे हैं कि हेड में लगी है, दूल्हे को लगी, अमित स्टोगी नाम है, और जब बारात में हुई है हर्ष फायरिंग, जब वो बारात में लोग नाच गा रहे थे, अभी उसको देखा जा रहा है, उसकी क्लिप देखी जा रही है किस व्यक्ति ने फायर किया है और उसकी भी तलाश की जा रही है। किसी ने फायर की, उसके सर में गोली लगी, वो गिर गया वहीं पे, तुरंत भगदड़ मच गई। घटना हम लोग यहाँ गेस्ट हाउस पे थे, रही से तुरंत भागे तो वहाँ और लोग थे, उन्होंने बताया ये बात, फिर तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए।
उसके बाद वहाँ उन्होंने बताया कि लखनऊ ले जाओ ट्रामा सेंटर। अब ये तो नहीं हुई है, फायरिंग हुई है, अब मारा है या किसी ने हर फायरिंग में मारा है ये तो पक्का नहीं, ये तो वीडियोग्राफर से पता चलेगा। इधर यूपी की बदायूं में आप पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। बोर्ड परीक्षाओं के चलते डीजे की आवाज कम कराने गए दो पुलिस वालों पर एक शख्स ने अपने परिवार के साथ चाकुओं से हमला बोल दिया। इसमें दोनों पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों पुलिस वालों को जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने गंभीर हालत में बरेली रेफर किया है, जहां एक की मौत हो गई तो वहीं घटनास्थल में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। घटना बिलसी थाना इलाके की है। गजौली में जगत पाल नाम का शख्स अपने घर में तेज आवाज में डीजे बजा रहा था, लेकिन जब गांव वालों को इस बात पर एतराज हुआ तो उन्होंने इसकी शिकायत नजदीकी पुलिस चौकी में की, जिसके बाद दो पुलिस वालों को डीजे बंद कराने के लिए भेजा गया था। लेकिन पुलिस वालों ने जब आरोपी से डीजे की आवाज कम करने के लिए कहा तो वो इस कदर भड़का कि पुलिस वालों पर फावड़े और चाकू से हमला कर दिया। पुलिस फिलहाल मामले की जाँच में जुटी है। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार जिस व्यक्ति के घर में ये म्यूजिक बज रहा था उसके घर पहुंचने पर उस व्यक्ति ने इनके ऊपर फावड़े से और किसी धारदार हथियार से हमला बोल दिया, जिससे ये लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसकी सूचना गांव से मिलने पर तत्काल थाना अध्यक्ष बिलसी, सीओ बिलसी, एसपी देहात और कई थानों की फोर्स पहुंची है और इनको घायल अवस्था में जिला बदायूं चिकित्सालय लाया गया और अभी यहीं से मेरे सामने इनको उच्चतर चिकित्सक मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बरेली भेजा गया है। तो इस मामले में जांच तो हो रही है, लेकिन ये शख्स कौन है जिसने जब कानून का पालन कराने गए दो पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया? खालिद रियाज हमारे साथ है। खालिद, इस मामले में क्या कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हो पाई है या नहीं? ये कौन है शख्स जिसने इस तरीके से जब पुलिस अपना काम करने गई तो पुलिस पर ही हमला कर दिया? जी श्वेता, आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई थी और गांव वालों ने शिकायत की थी कि ये बहुत तेज आवाज में डीजे बजाता है। इसको लेकर पुलिस इसका डीजे बंद कराने गई थी और इसने परिवार सहित पुलिस पर हमला कर दिया। मैं यहां भी अपडेट आपको देना चाहता हूं, इसमें एक फहीम खान नाम का सिपाही था जिसकी बरेली में आज के दौरान मौत हो गई है। दो सिपाही घायल हुए थे जिसमें से एक की मौत हो गई है और एक अभी भी बहुत गंभीर रूप से घायल है, उसका इलाज चल रहा है और काफी गंभीर स्थिति में। पुलिस लगातार कॉम्बिंग कर रही है क्योंकि ये पूरे परिवार के साथ फरार हो गया था जंगलों में, पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ इसके परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं लगा है। काफी बड़ी संख्या में पुलिस अभी भी गांव में मौजूद है। जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूपी में आज से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, लेकिन पीलीभीत में नियम कानूनों और शासनादेश को ताक पर रख दिया गया, जिसके चलते बिलसंडा के गुरु तेग बहादुर इंटर कॉलेज के 211 स्टूडेंट्स का भविष्य अधर में है। इन छात्रों का परीक्षा सेंटर करीब 50 किलोमीटर दूर मरौरी ब्लॉक के बरखेड़ा में कर दिया गया, जबकि नियमों के मुताबिक परीक्षा सेंटर की कॉलेज से दूरी 12 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके चलते अब छात्र बेहद परेशान है। हालांकि शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। और मेरा सेंटर बरखेड़ा गया है जीजीआईसी में, तो 45 किलोमीटर यहाँ से दूर है, तो हम लोग सोचते हैं अब कैसे जाएं, यहाँ से कमरा वमरा कुछ मिला नहीं और बाइक भी इतनी वो नहीं है, हमारे पास बाइक भी नहीं है, ऐसे ही जाना पड़ेगा। 45 किलोमीटर है सर दूर यहाँ से, दिक्कत सर होती है जाने में सर बहुत ही यहाँ से। सर सेंटर सर बहुत दूर गया है बरखेड़ा के जीजीआईसी में, दिक्कत बहुत होगी, 7:30 बजे से पेपर है। जिसमें बताया गया है कि कुछ बच्चों के सेंटर काफ़ी दूर हो गए हैं, 40 किलोमीटर की दूरी है लगभग। डीआईएस को निर्देश दिए गए हैं कि जिस विद्यालय के ये बच्चे हैं उस विद्यालय में बस लगा दिए जाएंगे, उन बच्चों को आने में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, बस से उन्हें वापस भी पहुंचाया जाएगा। अब अंतिम समय में चूँकि ये बात हमारे संज्ञान में बहुत देर से लाई गई है, इसमें सचिव से वार्ता भी की गई, लेकिन सचिव ने बताया कि चूँकि सारी तैयारियाँ की जा चुकी हैं इसलिए केंद्र परिवर्तन करना अब संभव नहीं हो पाएगा। तो जो भी अल्टरनेट व्यवस्था है जिससे कि उनके सुविधाओं में किसी तरह की कोई समस्या ना आए, इसके लिए डीआईएस को निर्देशित कर दिया गया है। साधना जत में 12 किलोमीटर से अधिक सेंटर नहीं होना चाहिए, अब जगह है 45-50 किलोमीटर दूरी पे। तो इसमें अब मैं अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि आखिर इसमें लापरवाही किसकी हुई है, ये सेंटर 45-50 किलोमीटर दूर गया है, बच्चे सुबह 7 बजे कैसे पहुँच पाएंगे परीक्षा देने, वहाँ काफ़ी दिक्कत।
तो सेंटर्स जब एलोकेट हो रहे थे तब क्यों नहीं इस बारे में ध्यान दिया गया? जो नियम है कि 12 किलोमीटर की रेंज में ही होना चाहिए था वो क्यों नहीं देखा गया? तो ये परीक्षाएं जो आज से शुरू हुई हैं 28 मार्च तक चलेंगी। हाईस्कूल परीक्षा में 37,49,977 तो वहीं इंटरमीडिएट में 30,03,057 यानी कि कुल 67,93,034 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड है। तमाम दावों के बीच इस बार भी बोर्ड एग्जाम्स पर नकल का साया मंडरा रहा है। शिक्षक संघ और विपक्षी दलों ने परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया जिनका सरकार को कोई जवाब नहीं सूझ रहा। तो आज से यूपी में बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई है और इन परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करने के लिए एक तरह से कोशिशें हो रही हैं। इस मोबाइल ऐप के जरिए छात्रों की अटेंडेंस दर्ज होगी और कॉपियों की अदला बदली रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही अगर आंसर शीट पर कहीं भी ओम और 786 जैसे धार्मिक चिन्ह लिखे गए तो उनका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। बोर्ड ने इस बार 11,664 परीक्षा केंद्र बनाए हैं और हाईस्कूल के एग्जाम्स में 37,49,947 जबकि इंटर में 30,43,057 छात्र परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गंगा में प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को बंद करने की चेतावनी दी है। एनजीटी ने हरिद्वार से कानपुर के बीच गंगा किनारे बने कारखानों से पूछा है कि वो प्रदूषण रोकने के लिए क्या उपाय कर रही है। साथ ही एनजीटी ने यह भी कहा है कि क्यों ना ऐसे इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया जाए पॉल्यूशन बोर्ड की सहमति के बिना जो चल रही हो। तो एनजीटी में इस मामले की अगली सुनवाई 7 मार्च को होगी। हालांकि लगातार इन फैक्ट्रीज से ये जवाब हर बार ये पूछा जाता रहा है कि किसकी परमिशन पर ये चल रही है। सख्ती भी होती है लेकिन सख्ती का कोई भी असर देखने को नहीं मिलता। टेंडरीज जिनका पानी गंगा में जा रहा है, गंगा प्रदूषित हो रही है, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है नमामि गंगे परियोजना जिसके जरिए गंगा को साफ सुथरा रखने की कवायद है, लेकिन ये कहें कि जो भी सख्ती है वो तो फिलहाल बेमाने ही साबित होती है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही।